नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये वही है लेकिन ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, मतलब प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसे है, बट इस सिस्टम में ये जो ब्लॉक है वो नीचे आ रहा है और M2 इज ग्रेटर, ये M2 है, M2 ग्रेटर है M1 है, तो अगर ये नीचे आ रहा है एक्सलेट कर रहा है तो ऑब्वियसली अगर देखो अगर ये एक्सलेट कर रहा है तो ये ए एक्सलेशन से इधर आ रहा है और ये ए एक्सलेशन से ऊपर जा रहा है। तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो इस पे जो फोर्स है वो आ जाएगा M2g sin थीटा इधर आ जाएगा और M2g cos थीटा इधर आ जाएगा, क्योंकि Mg नीचे लगती है यार, हम सबको पता है Mg का कंपोनेंट है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो Mg का एक कंपोनेंट नॉर्मल ऊपर रहेगा, नॉर्मल वर्टिकल में नॉर्मल की वैल्यू M2g cos थीटा इक्वल होगा, हमें ज़रूरत नहीं है लिखने की, क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि वर्टिकल में मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। और इधर इधर जो इक्वेशन है वो है M1g, और ये इस पे टेंशन, इस ब्लॉक पे टेंशन T ऊपर लगेगा, इस ब्लॉक पे टेंशन T इधर लगेगा, टेंशन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अवे लगता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड यही है, फर्स्ट फर्स्ट मेथड यही है कि मेक द फ्री बॉडी डायग्राम एंड सॉल्व द क्वेश्चन। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाइए और उसके बाद सोल्यूशन ले लीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ पहले का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो टी माइनस पहले वाले ब्लॉक का टी ऊपर जा रहा ना, टी माइनस M1g दैट इज M1a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर है। चलो दूसरे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका, तो इस पे जो M2g sin थीटा माइनस टेंशन टी दैट इज M2a, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर लूँ, इन दोनों इक्वेशन को, तो हमें एक्सलेशन और टेंशन मिल जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो मुझे एक्सलेशन मिल जाएगा, तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो टेंशन ने टेंशन को ख़त्म कर दिया और ये आ जाएगा बोलो M2 sin थीटा माइनस M1 और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई g। तो ये हमारे पास आ गया सिंपल सा एक्स इक्वेशन और ये एक्सलेशन है, ठीक है। अब टेंशन इस एक्सलेशन को किसी में फर्स्ट या सेकेंड या किसी में भी रख दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा टेंशन। तो अगर मैं इसको फर्स्ट वाले में रख दूँ, मान लो मैंने इसमें फर्स्ट वाले में रख दिया, तो रख के देख लो इसको फर्स्ट वाले में रख दो, तो टी माइनस M1g इज इक्वल टू M1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो M1 M2 g sin थीटा और माइनस M1 स्क्वायर g डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, क्लियर है। तो यहाँ से टेंशन टी अगर देखोगे तो टेंशन टी की जो वैल्यू आ जाएगी ये इधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो फाइनली अगर ये प्लस में हो जाएगा तो ये आ जाएगा, इधर रहेगा M1 M2 g sin थीटा और माइनस M1 स्क्वायर g और ये इधर चला गया M1g प्लस, और मैंने M1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस M1 स्क्वायर g और प्लस M1 M2 g और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मास M1 प्लस M2। तो फाइनली सिंप्लीफाई होके टेंशन टी की वैल्यू इसको कैलकुलेट कर लो, M1g ने M1g को ही ख़त्म कर दिया और यहाँ से कॉमन हो गया, तो हमें मिल गया, फाइनली हमें मिल गया 1 प्लस sin थीटा M1 प्लस M2 g डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मास M1 प्लस M2। तो वी कैन इजली कैलकुलेट द एक्सलेशन एंड टेंशन ऑफ दिस प्रॉब्लम बाई यूजिंग द फ्री बॉडी डायग्राम। दूसरा तरीका है इसका करने का, एक अच्छा खासा ट्रिक, तो ट्रिक का यूज करके इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकते हैं एक लाइन में, ठीक है। इस प्रॉब्लम को तुम एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग दिस ट्रिक। इस ट्रिक में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते थे फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स। तो अगर इस पे ये जो पीछे पीछे खींच रहा है M1g, ये इसका मास M1 है, तो ये क्या है, बैकवर्ड फोर्स है, ये आगे जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये इस पे लग रहा है M2g sin थीटा और ये फॉरवर्ड फोर्स है। तो एक्सलेशन निकालना बहुत आसान है, एक्सलेशन निकालना एक लाइन में हो जाएगा। बोलो इस फार्मूले से देखो, फॉरवर्ड फोर्स
फॉरवर्ड फोर्स कौन सा है बोलो, एम टू जी। फॉरवर्ड फोर्स एम टू जी साइन थीटा माइनस बैकवर्ड फोर्स, बैकवर्ड फोर्स है एम वन जी। और अगर मैं इन दोनों में दोनों के मास से डिवाइड कर दूं, समेशन ऑफ मास, तो ये प्रॉब्लम एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो जी हमने कॉमन ले लिया है, एम टू साइन थीटा और माइनस एम वन और मल्टीप्लाइड बाई जी और डिवाइड कर दूं, समेशन ऑफ मास एम वन प्लस एम टू, तो ये प्रॉब्लम एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी ध्यान रखना कि अगर ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये वाला फोर्स अब्सेंट होता है, ठीक है, कभी कभी बैकवर्ड फोर्स नहीं रहेगा। तो इस बैकवर्ड बी एफ की जो वैल्यू है वो मैं जीरो रख दूंगा, इसकी वैल्यू मैं जीरो रख दूंगा अगर नहीं रहेगा तो। और टेंशन निकालना अब आसान है, तो टेंशन निकालने के लिए सिंपल सी बात है यार, टेंशन निकालना आसान है। टेंशन निकालना देखो फार्मूले से, फॉरवर्ड फोर्स मल्टीप्लाइड बाई बैकवर्ड मास। फॉरवर्ड फोर्स कौन सा बोलो, एम टू जी साइन थीटा, बैकवर्ड मास मल्टीप्लाइड बाई एम वन प्लस साइन। फार्मूले से बैकवर्ड फोर्स कौन सा है, एम वन जी और फॉरवर्ड मास एम टू, आगे वाला जो मास है, और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मास एम वन प्लस एम टू। तो टेंशन एक लाइन में हो जाएगा, बिना कोई टेंशन लिए टेंशन आ जाएगा। तो वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा एम वन एम टू जी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मास एम वन प्लस एम टू,